हलचल टीवी न्यूज। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के महिला थानों को नॉनसेंस कहने वाले बयान पर हरियाणा के वित्त मंत्री ने किनारा कर उसे उनकी निजी राय बताते हुए कहा कि हरियाणा में महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी से लेकर महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को नया विश्वास और आत्मविश्वास महज इन महिला थानों की वजह से हुआ है। ये थाने और सफल होंगे कहा। 10 साल में पिछली सरकार ने लापरवाही से JBC लगाकर खड्डे खोदे हैं, उन्हें भरा जा रहा है लेकिन और नए निकलकर सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जहां एक और महिला थानों को नॉनसेंस की संज्ञा दे रही हैं, वहीं उनकी ही सरकार के मंत्री इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि महिला थानों की वजह से महिलाओं की रक्षा और उनमें स्वाभिमान बढ़ा है, इसलिए उनकी सरकार इनको और आगे बढ़ाएगी। वही उन्होंने इसे मेनका गांधी की निजी राय बताया। उनकी अपनी राय हो सकती है, हमने जिस मंशा से इन महिला थानों की स्थापना की है, हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी सराहना हुई है और महिलाओं को आज हरियाणा प्रदेश में एक नया विश्वास बना है, नया आत्मविश्वास बढ़ा है, सुरक्षा की भावना बढ़ी है। और पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से आंकड़े सामने आए हैं कि 1 साल के प्रयासों में ही हरियाणा की जो लिंगानुपात की स्थिति है, जो जेंडर रेशियो है, उसमें ऐतिहासिक वृद्धि होना, ये अपने आप में संकेत है कि आज हरियाणा का आम आदमी बेटियों को बोझ नहीं मानता है बल्कि बेटियों को प्यार करता है और बेटियों पर गर्व करता है, अभिमान करता है, बेटियों का पालन पोषण करके एक नए समाज का सृजन करना चाहता है। ऐसे में महिला थानों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये और सफल होंगे और मुख्यमंत्री जी की योजना इसको और आगे ले जाने की है, जिसमें पूरा मंत्रिमंडल उनके साथ है। हलचल टीवी के लिए हिसार से रमेश जाखड़ की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।